मैं डीसी साहब का मशहूर हूँ, उन्होंने मुझे आपसे बात करने का मौका दिया। कल हमने सीलिंग का प्रोसेस शुरू किया और फाइंस का प्रोसेस भी शुरू किया। एक एनी क्लिनिक और एनी हॉस्पिटल व्हेन इट इज अ प्राइवेट और इट इज इन द गवर्नमेंट सेक्टर सो दे शुड आइडेंटिफाई देमसेल्फ आल्सो फर्स्ट जस्ट लाइक एज एडमिनिस्ट्रेटर दे थिंक दैट वी आर एडमिनिस्ट्रेटर्स वी कैन डू एवरीथिंग वी कैन डू ए लॉकडाउन 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 दैट विल बी ओवर हियर आई थिंक वी कैन दैट जज ऑन द वे अभी मैंने बंटी साहब को देखा था यहाँ रास्ते में, ये इनकी ड्यूटी नहीं है, आपकी ड्यूटी नहीं है, सो फॉर अस यू हैव टू कवर बट द थिंग इज इट्स माय ड्यूटी एज वेल। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ हमें लाने के बाद क्या होगा, कितनों से हम मिलेंगे, ज़्यादा लोगों से हम नहीं मिल पाएंगे। आई वॉन्ट दैट्स व्हाई हम आपको कह रहे हैं कि आप अपना पार्ट करेंगे, लॉकडाउन नहीं होगा, आप लोग नहीं करेंगे। मैं सारा सच नहीं बता, हम हर रोज क्या देखते हैं, एक हॉस्पिटल की बात करते हैं सोहरा में, हम कल सी एस एम ने भी सर ये किया, उन्होंने डायरेक्शन दिया कि सोहरा दे एक्चुअल मास्क, मगर आप अपना, मैं अपना रोल करूँ ना पहले, बाद में मैं उंगली उठाऊँ दूसरे पे, मैं क्या रोल कर रहा हूँ, मेरे प्राइवेट क्लिनिक में क्या हो रहा है, हम आपको फोटोग्राफ्स दिखाएंगे, बड़े क्लिनिक्स के 100-100 लोग एक एक रूम में बैठे हुए, अल्ट्रासाउंड वाले के पास 200-200 लोग हैं, कोई सैनिटाइजेशन नहीं होती एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट को करने के लिए। प्लीज बुरा मत मानिए मेरी बात, दुकानदार को 10 कस्टमर होते हैं, 8 को मास्क नहीं लगाते होती। देखो इस बात का जवाब दूसरे जो लोग इससे मुंसलिक हैं उन सबके साथ एक मीटिंग की गई है और इसमें सभी का सुना गया है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको पूरा इन्फोर्स करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे ट्रेनर्स ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो खुद इसका हिस्सा बनेंगे। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि जब तक पूरी सिविल सोसाइटी में एक एक फर्द अपना फ़र्ज नहीं समझेगा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना और उसको इन्फोर्स करना, तब तक अकेले किसी का काम नहीं है। और हम इस पेंडेमिक से तभी कामयाब होकर बाहर निकलेंगे जब हम सभी मिलकर इसके खिलाफ जंग छेड़ेंगे और हमारा जो ट्रेडर कम्युनिटी है उन्होंने हमें अश्योरेंस दी है कि वो पूरा पूरा इसमें कोऑपरेट करेंगे। गाइडलाइंस बड़ी क्लियर है कि परमिशन विदाउट रिटन परमिशन और विदाउट गिविंग एन अंडरटेकिंग अबाउट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट शादी नहीं होगी, और इसके बगैर कोई गैदरिंग कर रहे हैं, शादी हो या दूसरी गैदरिंग जो है, सोशल गैदरिंग्स हैं, कल्चरल गैदरिंग्स हैं, अगर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा कोई कर रहा है दैट इज़ इलीगल, और उसमें कई बार एक्शन भी किया गया है, और आगे भी अगर कोई विदाउट परमिशन और प्रोटोकॉल जैसे प्रिस्क्राइब है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की गाइडलाइंस में, अगर वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है तो उसमें डेफिनेटली कार्रवाई होगी। पिछले दिनों से हम सिचुएशन देख रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि देखिए ये बात सच है कि श्रीनगर के केसेस बहुत ज़्यादा हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट के कंपेरिजन में, और उसमें हम वॉच कर रहे हैं और केसेस जो हैं कुछ पर्टिकुलर क्लस्टर से आ रहे हैं, पूरे श्रीनगर में केसेस का स्प्रेड नहीं है। अगर इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किसी पर्टिकुलर एरिया में है तो हम पूरे शहर को उसकी सजा नहीं देंगे, और ना ही हम ये चाहेंगे कि पूरा शहर जो है एक पर्टिकुलर इलाके के इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को पूरा शहर उसका खामियाजा भुगते और पूरा शहर उसकी सजा काटे, ऐसा नहीं होगा। अब सर जिस तरह से जितना ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल बढ़ता है उतनी मास्क की कीमतें भी कहीं जगहों पर बढ़ जाती है, क्या प्राइस कैपिंग का कोई सिस्टम आप लगाएंगे कि जिसके बाद हर एक शख्स को मास्क अफोर्डेबल रहे और सारे लोग इस्तेमाल करते हैं? देखिए मास्क जो है उनकी कीमतें ऑलरेडी प्रिस्क्राइब होती हैं, अगर किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर को या कस्टमर को ये लगता है कि ओवर प्राइसिंग है वो हमारे नोटिस में लाएंगे और हम उसको रेगुलेट करेंगे।